आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3F। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। 3F में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर रूट 1.69। ठीक है, अंडर रूट 1.69, इसका हमें क्या निकालना है? इसका हमें निकालना है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट हम दो तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तरीका क्या है हमारा, एक तरीका है 169/100। ठीक है, 169 का हम अलग निकाल लेंगे। 169 का क्या आएगा, 13 13। तो 169 का तो आ जाएगा 13, 100 का आ जाएगा 10, तो पॉइंट हटा के क्या आ जाएगा, 1.3। ठीक है, और अगर हम दूसरे वाले तरीके से करें जो कि इजी है, 1.69। ठीक है, इसमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। जैसे हम पेयर बनाते थे इधर से, बनाएंगे तो अब भी इधर से ही, बट कैसे बनाएंगे, अगर पॉइंट के बाद एक वैल्यू है, दो वैल्यू है, तो पॉइंट के बाद के पेयर अलग बनाएंगे, पॉइंट से पहले के पेयर अलग बनाएंगे। ठीक है, जैसे 6 9 एक अलग पेयर बनेगा और 1 का पेयर अलग बनेगा। ठीक है, 1 से डिवाइड करेंगे, 1 1 जा 1 1 सॉरी 0, 1 का डबल क्या हो जाएगा, 2। अब देखो पॉइंट के बाद वाला पेयर जैसे ही उतारते हैं तो हमें ऊपर यहाँ पे क्या लगाना पड़ता है, पॉइंट लगाना पड़ता है। 69 हम नीचे लिख लेंगे, एक वैल्यू हाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 3 टाइम हो जाएगा 23 3 जा 69। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, सेकेंड भी ऐसे ही है, थर्ड भी ऐसे ही है, थर्ड कर लेते हैं। चलो 1.56.25। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, पेयर बनाएंगे, पॉइंट के बाद के अलग, पॉइंट से पहले के अलग, एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा, 1 1 से डिवाइड करेंगे, 1 1 जा 1, क्या बचेगा, 0। 56 नीचे लिखेंगे, 1 का डबल क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, 1 वैल्यू हाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 24 4 जा 56, नहीं ज्यादा हो जाएगा यार, सॉरी 2 जा, मैंने यहाँ पे लिख दिया 4, 22 2 जा 44। ठीक है, माइनस करेंगे, 2 5 माइनस 4 1। ठीक है, 12 का डबल क्या हो जाएगा, 24। अब देखो पॉइंट के बाद का पेयर निकाल रहे हैं ना, तो क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तब 25 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, एक वैल्यू हाइड करेंगे, 24 से कितनी बार डिवाइड हो जाता है, 24 5 जा। ठीक है, 24 5 जा हो जाएंगे, 24 5 जा, तो 245 5 जा आ जाएगा। 245 की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 5 5 जा 25, 45 जा 200, और 205 जा 1000, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। बस छोटा सा डिफरेंस यही है, जब पॉइंट के बाद का पेयर नीचे लिखेंगे तो पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, जैसे पहले किए हैं बिल्कुल ऐसे ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और आपको अपने आप करना है। 5 में क्या है, 9.8596। ठीक है, ठीक है, चलो ये पेयर बन जाएंगे, ये सिंगल है तो 3 3 जा 9 0, 3 का डबल 6 आ जाएगा। देखो पॉइंट के बाद है ना 85 वाला पेयर, तो पॉइंट लगा लेंगे यहीं पे, 85 आ जाएगा हमारा यहाँ पे, 6 1 जा 6 61 1 जा 61। ठीक है, माइनस करेंगे, 5 माइनस 1 4, 8 माइनस 6 2, 31 2 जा 62। ठीक है, 96 नीचे लिख लेंगे, 4 जा 2 4 9 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं।
सेवन में क्या है, सेवन भी सेम है 1.0816 पेयर बनाएंगे। बस ध्यान रखना है पॉइंट के बाद के पेयर अलग बनते हैं और पॉइंट के पहले के पेयर अलग बनते हैं, होल नंबर पार्ट के पेयर अलग बनते हैं और डेसिमल पार्ट के पेयर अलग बनते हैं। तो 1 1 जा 1, माइनस करेंगे 0 1 का डबल क्या हो जाएगा 2, 0 8 नीचे लिखेंगे पॉइंट के बाद है 0 8 तो पॉइंट लगा लेंगे यहाँ पर 0 8, ठीक है। एक वैल्यू हाइड करेंगे, एक वैल्यू हाइड करेंगे तो 0 0 बची नहीं चलेगा, तो क्या करेंगे दूसरा पेयर भी उतारने के लिए 0 लगाएंगे, 0 लगा के 16 उतार लेंगे। देखो एक तो उतारा हमने पॉइंट के बाद का, पॉइंट तो पहले ही लग गया वहां पर, ठीक है। अब हमें एक और वैल्यू पेयर उतारना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा वहां पर, 0 लगाना पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद की वैल्यू तो पहले ही पॉइंट लगा के उतरती है। अब दूसरी वैल्यू भी उतारनी है तो क्या करना पड़ेगा, है ना। तो 10 2 जाए यहाँ पे हो जाएंगे 20, ठीक है, चलो 20 आ जाएगा। अब उसके बाद हाइड करेंगे एक वैल्यू को, कितनी बार चल रहा है 4 जी, तो ये आ जाएगा 816, कट हो जाएगा कंप्लीटली, ठीक है। लाइट चली गई बट कोई बात नहीं, सही थी आ रहा है, ठीक है। चल नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, चलो 8 भी करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 0.2916, ठीक है। तो पहले ही वैल्यू में यहां तो 0 आ रहा है ना, तो क्या करें, पॉइंट के बाद वाला पेयर सॉल्व करना है ना हमें, तो हम क्या करेंगे पहले पॉइंट लगा लेंगे, अब पॉइंट के बाद वाला पेयर सॉल्व करेंगे। किस पेयर को सॉल्व करेंगे, इस पेयर को, आई ना बात समझ में, ठीक है। चलो तो किससे सॉल्व हो गए, 5 5 जा 25, 5 का डबल क्या आ जाएगा यहाँ पे 10, माइनस करेंगे 4 1 6, ठीक है। तो कितनी बार चल रहा है 4 बार, 104 4 जा 416, क्लियर। यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, ये क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा, क्लियर, कोई डाउट। देखो बहुत अच्छे, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है 9 भी। 9 में क्या गया है, फाइंड द इवैल्यूएट √3, √3 की वैल्यू बतानी है हमें, √3 की। अब देखो इसके फैक्टर तो हम कर नहीं सकते, तो किस तरह से सॉल्व होगा ये हमारे इसी मेथड से सॉल्व होगा 3, ठीक है। और कोई भी वैल्यू को अगर डेसिमल में सॉल्व करते हैं तो 2 पॉइंट तक सॉल्व करते हैं, तो इसको भी 2 पॉइंट तक सॉल्व करेंगे बस, ठीक है। 1 1 जा 1 2 2 जा तो 4 हो जाएंगे 1 1 जा 1 1, ठीक है, माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 2 का यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, ठीक है। अब अगर मैं 1 जा भी चलाऊं तो 21 1 जा चलाना पड़ेगा मुझे, है ना, बट यहाँ पर तो एक ही वैल्यू है, तो मैं क्या करूंगा पॉइंट लगा के एक 0 उतारते थे ना हम डिवाइड में, यहाँ पे एक नहीं होता, यहाँ पे कितनी 0 उतरेगी, 2 0 उतरेगी, यहाँ पे पेयर उतरता है पॉइंट लग के 2 0 उतर जाएगी, ये इस तरह से हो गया, ठीक है। तो 1 जा चल जाएगा, 2 जा भी चल जाएगा, एक वैल्यू ऐड करें 9 जा 29 9 जा नहीं 26 6 जा 27 7 जा करके देखते हैं, 27 7 7 7 जा 49 4 7 2 जा 14 189, हाँ तो 7 जा चल जाएगा 7 7 189, ठीक है, क्लियर। माइनस करेंगे 10 माइनस 9 1 9 माइनस 8 1 11 बचेगा, 2 पॉइंट तक निकालना है ना, तो पॉइंट 17 का क्या हो जाएगा यहाँ पे 34, पॉइंट लगा हुआ है तो 2 0 लिख लेंगे, एक वैल्यू को हाइड करेंगे, 4 3 12 3 जा चल जाएगा 343 3 जा, ठीक है, 343 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 1 9 1 10 1029, ठीक है। माइनस करेंगे 10 माइनस 9 1 9 माइनस 2 7, यहाँ बचेगा 0, पहले इधर चला गया तो 71 बचा, मैं 2 वैल्यू।
हमने दो वैल्यू तक माइनस करके 70 बनाया, हमें दो वैल्यू तक निकालना था, तो दो वैल्यू हमारी आ चुकी है 1.73, तो 1.73 लिख देंगे यहाँ पर आंसर। क्लियर, विदाउट। क्वेश्चन नंबर 3 था ही, 9 सॉरी, 3 का रूट निकालना था। इसमें हम किसी भी वैल्यू का रूट निकाल दे सकते हैं, चाहे वो स्क्वायर हो या ना हो, ठीक है। जैसे नेक्स्ट में कहा है इसने 10 में 2.8 का निकालू, ठीक है। अब 2.8 का तो हम निकालेंगे नहीं, निकाल ही नहीं सकते हम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पेयर बनाने पड़ेंगे। तो इस तरह से पेयर तो बन जाता है, एक भी सिंगल भी पेयर बन जाएगा पॉइंट से पहले तो, बट पॉइंट के बाद हमें हमेशा टू टू के पेयर बनाने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जीरो लिख लेंगे, ठीक है। तो वन वन जा वन, वन बच जाएगा, वन का डबल क्या हो जाएगा टू। पॉइंट के बाद का पेयर उतारूंगा तो यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट 80, नीचे आ जाएगा। कितनी बार चल जाएगा, 9 जा 29, 9 जा नहीं 26, 6 जा 27, 7 जा 26, 6 जा चल जाएगा 26, 6 जा 156, ठीक है। माइनस करेंगे 4, 7 माइनस 5 2, 24 आ गया, ठीक है। 16 का डबल क्या हो जाएगा 32, फिर से पॉइंट लगा हुआ है, क्या लिखेंगे 20, 20 लिख लेंगे नीचे, एक वैल्यू को हाइड करेंगे 7 जन, 7 7 49, 4 7 2 14, 18, 1 7 3 21 और 1 22, ठीक है। माइनस करेंगे 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 8 1, 3 माइनस 2 1, 1 1 1, ये आ गया। यहाँ पर कितनी बार आया, 7 बार। तो रूट 2.8 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1.67, ठीक है। कोई डाउट? चलो बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर 9 था ये हमारा, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 10 था। 11, 11 देख लीजिए, में क्या है 0.9 का रूट निकालना है। तो कैसे निकालते हैं 0.9, ठीक है। तो पॉइंट के बाद की वैल्यू कितनी, वैल्यू कितने कितने के पेयर बनाते हैं, टू टू के, टू 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 के पेयर बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें तो वैल्यू सॉल्व करनी है। अब पहला ही पेयर में कौन सा सॉल्व कर रहा हूं, पॉइंट के बाद का, तो पॉइंट लगाऊंगा पहले, 9 9 जा 81, तो यहां पे 9 आ जाएगा, क्या बचेगा 9 0 0, ठीक है। पॉइंट वहां पे पहले ही लगा हुआ है इसलिए मैं पेयर उतार सकता हूँ, ठीक है। चलो 9 का डबल क्या हो जाएगा 18, हाइड करूंगा 5 जा 185, 5 जा नहीं 184, 4 जा 4 4 जा 16, 1 8 4, 1 8 1, ये तो ये भी जा रहा, ज्यादा आ रहा है भाई, 4 जा भी 4 4 जा 16, 1 3 4 1 जा 4 और 3 7 7 आएगा, ठीक है। कितनी बार चला ये, 4 जा चल गया बस, और सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 3 6, 8 माइनस 7 1, ठीक है। क्लियर, तो आंसर क्या आएगा इसका, इसका आ जाएगा 0.94। क्लियर, कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, दो फिगर दी गई है इसमें, इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ 13.6 मीटर एंड ब्रेथ 33.4 मीटर। देखो ध्यान से देखना क्वेश्चन में, एक तो है हमारा रेक्टेंगल और एक है हमारा स्क्वायर, स्क्वायर से लग नहीं रहा, लेट इट बी स्क्वायर, ठीक है। लेंथ है हमारी 13.6 मीटर, ब्रेथ है हमारी 3.4 मीटर, बट इन दोनों का जो एरिया है वो इक्वल है, इसका एरिया इक्वल है इसके एरिया के, तो इसका एरिया निकालेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ कितनी है 13.6 मल्टीप्लाई 3.4, मल्टीप्लाई करते हैं।
हाँ, 6 4 जार 24, 2 4 3 जार 12 और 2 14, 1 4 1 जार 4, 1 5 मल्टीप्लाई, 3 6 जार 18, 1 3 3 जार 9 और 1 10, 1 3 1 जार 3 और 1 4, तो ये आ जाएगा 4 6 4। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ, 4 6 2 4 क्या आएगा, 4 6 2 4। दिस इज द स्क्वायर ऑफ रेक्टेंगल अलोंग विद स्क्वायर ऑफ, सॉरी दिस इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल अलोंग विद द एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका एरिया भी यही होगा सेम। क्या है, 46.24। ठीक है, आगे क्या कहा गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, इसकी हमें सारी साइड बतानी है। तो इसकी साइड क्या होती है, ए, एरिया में क्या होता है, ए मल्टीप्लाई ए इक्वल्स टू 46.24, ऐसे ही तो आएगा है ना, ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू 46.24, ऐसे ही तो आएगा। इधर से स्क्वायर हटाएंगे उधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट 46.24, स्क्वायर रूट हमारे पे निकालना आता ही है, निकाले चलो 46.24। ठीक है, 6 6 जा 36, क्या बचेगा 10, 6 के डबल क्या हो जाएगा 12, पॉइंट के बाद का पेयर उतार रहे हैं तो पॉइंट लगा लेंगे यहाँ पर, ठीक है 24। ठीक है, 8 जा 128, 8 जा अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1024 आ जाएगा, चाहे करके देख सकते हैं, 108 जा 800, ठीक है 28 जा 160, तो 800 और 160 960, ठीक है 960 और 88 जा 64, 960 और 64 1024, तो कितनी बार चल जाएगा ये, 8 टाइम चल जाएगा 1024। तो इसकी साइड क्या आ जाएगी, साइड आ जाएगी यहाँ पर हमारी a इक्वल टू 6.8 सेंटीमीटर था, मीटर था, मीटर। क्लियर, एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट, यहां तक करिए इसे क्वेश्चंस को, जो छोड़े हैं उनकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है चलो कल करते हैं नेक्स्ट।